खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खैरागढ़ के राज परिवार की। राज परिवार में कलह, खैरागढ़ सियासत में संपत्ति विवाद देखने को मिल रहा है और राज परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। उदयपुर महल का ताला खोलने की तैयारी की जा रही है। विभा सिंह के खिलाफ ग्रामीण नारेबाजी कर रहे हैं। देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी है विभा सिंह। राज परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। उदयपुर महल का ताला खोलने की तैयारी की जा रही है। विभा सिंह के खिलाफ ग्रामीण लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अब खैरागढ़ के राज परिवार पे कलह खुलकर सामने आ गई है। खैरागढ़ सियासत में संपत्ति विवाद का मामला सामने आया है और राज परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर तस्वीरें नजर आ रही है। उदयपुर महल को खोलने की तैयारी यहां पर की जा रही है। खैरागढ़ के राज परिवार में कलह अब नजर आने लगी है। ये तस्वीर आपको खैरागढ़ की दिखा रहे हैं। और खैरागढ़ में अब राज परिवार में कलह देखने को मिल रही है। खैरागढ़ चलेंगे, ललित ठाकुर से बात करेंगे। ललित, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ग्रामीणों का गुस्सा क्यों है? जी, इसको मैं बता दूं, स्वर्गीय देवव्रत सिंह के जाने के बाद जो है उनकी दूसरी पत्नी विभा सिंह लगातार जो है आरोप लगाते हुए आ रही हैं कि सब उनको जाने नहीं दिया रहा घर पर और सील कर दिया गया था। उसका आप देख सकते हैं कि तकरीबन हम दो घंटे से यहीं पर हैं और सील घर को ताला तोड़ने की यहाँ पर कवायद की जा रही है। बकायदा यहाँ पर गैस कटर लाए गए हैं जिनसे जो है यहाँ पर जो है ताला को खोला जाएगा, उसके बाद अंदर जाया जाएगा। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, लोग नारे लगा रहे हैं विभा सिंह वापस जाओ। वहीं पर जो है देवव्रत सिंह की जो पूर्व पत्नी है पद्मा सिंह और उनके दो बच्चे हैं युवराज और साक्षी सिंह, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में जो है ताला खोला जाएगा। दलित, वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ गुस्सा उनका है, क्यों उनकी नाराजगी है। हमें सबसे पहले युवराज से जानना चाहेंगे, युवराज जी वहाँ क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि आज हम ये लॉकर खुलवाने जा रहे हैं और आज सभी हैं, दोनों पार्टीज हैं, लेकिन उनके वकील साहब कुछ कुछ मामलों में देरी कर रहे हैं। हम अभी खोलने को तैयार है, इस चक्कर में अभी सब हम रुके हुए हैं। जी, पूरा मामला क्या है, आप ताला किसने लगाया और अभी तक इतनी विलंब क्यों हो रही है? ताला हमने तब लगाया था जब हमारे पिताजी स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की मौत हुई थी। तो जब हम लोग उनको लेकर हमारे खैरागढ़ पैलेस में गए तो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ भी कोई नहीं आएगा, यहाँ ताला लगाया जाए क्योंकि हमें चोरी वोरी का डर होता है। ये तो जाहिर है किसी के घर में भी होगा, घर बंद किया जाता है जब कोई होता नहीं है। तो आज वो खोला जा रहा है तो इसलिए बस आज इतनी भीड़ है। इसके अलावा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, सुरक्षा की भी मांग की, किनसे सुरक्षा चाहिए आपको, किनसे डर है? जी, हमारे साथ जो है स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह भी है, हम उनसे जानते हैं कि सभा से ये भी आई हुई है और यहाँ पर कर रही है। ये बताएंगे, ताला खोलने की कवायद चल रही है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बकायदा जो है स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की जो मौत हुई है उसको हत्या भी करार दिया गया, आशंका आपने जताई है, क्या पूरा है? कुछ नहीं बोल सकते, हम बीमार हैं। जी, यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं लोग, आप तो आप देख, ये कुछ नहीं है विभा सिंह, ये सिर्फ गुंडे हैं, पेट गुंडे, ये पेट गुंडे हैं, ये बुलाए गए हैं, अंदर सब कुछ चोरी हो चुका है, अंदर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ये तमाशा हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। जब उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उनकी डेथ हुई गाड़ी में, सीट बेल्ट काट के निकाला गया, तब क्यों नहीं हुई यहाँ पे पंचनामा? आज किस बात का पंचनामा? जी, साफ तौर पर विभा सिंह का कहना है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब ताला को खोलने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। बकायदा यहाँ पर गैस कटर लाया गया है जिनसे ताला को तोड़ा जाएगा, उसके बाद फिर अंदर देखा जाएगा कि क्या स्थिति है और परिस्थिति है। जी शुभम। ललित, तनाव की वजह जो है वहां पर ग्रामीण मौजूद है, रानी कह रही थी कि यहाँ पर पेड गुंडे बुलाए गए हैं, आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, तनाव क्यों है वहां पर, ग्रामीण क्या कुछ कह रहा है, हकीकत क्या है, जानने की कोशिश करें। ललित, सुन पा रहा है? ललित, मैं अपनी आप मेरी आवाज सुन पा रहे?
तो राज परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद है, ललित का एक बार फिर रुक करेंगे, तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो सक रहा है, लेकिन उदयपुर महल का ताला खोलने की तैयारी यहां पर की जा रही है। खैरागढ़ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में विभा सिंह के खिलाफ ग्रामीण जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि विभा सिंह का अपनी तरफ से ये बयान है, ये आरोप उन पर है कि ये पैड गुंडे हैं और ये तमाशा यहां पर बनाया जा रहा है, मामले को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस महल के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ चोरी हो चुका है। इन सबके बीच में तनाव जो है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। ग्रामीण वहां पर मौजूद है, एक पक्ष उनकी पत्नी का है और दूसरी पक्ष उनके बच्चों का है। उनकी दूसरी पत्नी विभा सिंह से भी बात की ललित ने और उसके बाद उनके बच्चे युवराज से बात करने की कोशिश भी की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो साजिश है वो यहां पर की जा रही है, विभा सिंह के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप विभा सिंह ने लगाया है। आपको ये बता दें कि स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी है विभा सिंह। खैरागढ़ के राज परिवार में कलह यहां पर खुलकर नजर आने लगी है और यहां ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा है और ऐसे में उदयपुर के महल को खोलने की तैयारी यहां पर की जा रही है। गैस कटर वहां पर बुलाया गया और ऐसे में कुछ ही देर में इस दरवाजे को खोलकर देखा जाएगा कि अंदर क्या कुछ है। विभा सिंह के खिलाफ ग्रामीण यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। इसके पहले दोनों ही पक्षों ने, यानी राजा देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने और उनके बेटे और बेटी, पुत्र और पुत्री ने प्रेस वार्ता की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा था। रानी विभा सिंह ने कहा था कि मेरे प्रति षड्यंत्र, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, और इधर दूसरी ओर उनके बेटे और बेटी ने भी प्रेस वार्ता करके ये बात रखने की कोशिश की थी कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये दोनों ही पक्षों की प्रेस वार्ता सामने आई थी, दोनों ने अपना पक्ष रखा था मीडिया के सामने। उसके बाद अब विभा सिंह के खिलाफ ग्रामीण यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, ये खैरागढ़ की तस्वीर है। खैरागढ़ चलेंगे, खैरागढ़ के राज परिवार में कलह जो है वो खुलकर सामने आ गई है। परिवार में रियासत को लेकर अब जो यहां पर विवाद है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि राजा देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद में ही अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। दोनों ही पक्ष, यानी उनकी दूसरी पत्नी और उनके बच्चे, बेटे और बेटी, दोनों ने प्रेस वार्ता की थी और उसके बाद में अब संपत्ति को लेकर विवाद गर्माता नजर आ रहा है। खैरागढ़ में उदयपुर महल का ताला खोलने की तैयारी की जा रही है। ये तस्वीर आपको हमने दिखाई थी, ललित ठाकुर बता रहे थे कि किस तरह से तनाव वहां पर बढ़ते जा रहा है और ऐसे में तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे, ग्रामीण उदयपुर महल के बाहर मौजूद हैं और इकट्ठा हो गए हैं। दोनों ही पक्ष जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सामने मौजूद हैं और ऐसे में राजा देवव्रत सिंह की, स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह और उनके बेटे और बेटी युवराज और वहाँ की राजकुमारी वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने भी अपनी बात रखने की कोशिश की है। विभा सिंह का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि यहाँ पर पैड गुंडे बुलाए गए हैं, बदमाश जो है बुलाए गए हैं, इकट्ठा किया गया है लोगों को और यहाँ पर मामले को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर बच्चों का कहना है, उनके बेटे का कहना है कि यहाँ पर ये सब कुछ षड्यंत्र जो है वो उनके खिलाफ किया जा रहा है और उन पर मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना के आरोप जो है वो भी लगाए हैं। तो खैरागढ़ में रियासत में संपत्ति विवाद का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए हैं, पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। तो उदयपुर महल का ताला खोलने की तैयारी की जा रही है और खैरागढ़ चलेंगे, एक बार फिर ललित से बात करने की कोशिश करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आखिर मामला तनावपूर्ण क्यों होते जा रहा है? जी बता दूं, पूरा विवाद जो है कहीं ना कहीं से संपत्ति विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है और पूरा विवाद जो है संपत्ति विवाद को लेकर है। बात करें खैरागढ़ की, खैरागढ़ में भी कुछ दिन पहले जो है गाड़ी लॉक करने का, गाड़ी की चाबी छीनने का, इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है अभी हम उदयपुर पे हैं, उदयपुर में भी ताला लगा दिया गया था जिसको खोलने के लिए आज जो है विभा सिंह आई हुई है, साथ में पूर्व पत्नी और उनके दोनों बच्चे युवराज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो आए हुए हैं, ग्रामीण आए हुए हैं और विभा सिंह वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं और लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है उन स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी को लेकर। साफ तौर पर जिस तरीके से विभा सिंह का स्वर्गीय देवव्रत सिंह के साथ जो देहांत के पहले जो ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें आपस में खिंचतान देखने को मिली थी, जो ऑडियो वायरल हुई है, यही वजह है कि लोगों में काफी आक्रोश है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जो आए हुए हैं। जी ललित, चूंकि पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, क्या कुछ जानकारी पुलिस को दी गई है कि आखिर क्यों यहाँ पर तनाव पैदा हो रहा है? उसके अलावा बच्चों ने भी अपना पक्ष रखने की कोशिश की है, बच्चों ने क्या कुछ कहा है? जी साफ तौर पर बच्चों का कहना है कि पूरा मामला जो है
जमीन संपत्ति को लेकर है। वर्तमान जो पत्नी है देवराज सिंह की, विभा सिंह जो है पूरे संपत्ति को हथियाना चाहती है। साथ ही दोनों बच्चों ने विभा सिंह के से अपने जान का खतरा बताया है। हाल में प्रेस वार्ता लेकर जो है बाकायदा उनके दोनों बच्चों ने प्रेस वार्ता ली थी और प्रेस वार्ता के दौरान विभा सिंह के ऊपर साफ तौर पर एलिगेशन लगाया था कि उनके द्वारा संपत्ति हड़पने का प्रयास भी किया जा रहा है और उनको जान का खतरा भी है। हमारे साथ पहले में जो काम कर रहे थे पहले देवराज सिंह के साथ वो लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि शील खोलने की कवायद है यहाँ पर, लेकिन विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं सर, एक दूसरे का देख रहे रास्ता। जो सेकंड वाली पार्टी जो है विभा सिंह, वो किसी भी हालत में खोलना नहीं चाहती है, इसलिए वो जानबूझ के जो है लेट नती भी कर रही है। आप पैलेस में देवराज सिंह के साथ काम किए हैं, आप उनके काम करते रहे हैं जी, उसके बाद क्या वजह मानते हैं? उन्होंने आरोप भी लगाया उन्होंने जी, वो पूरे जो आरोप है वो बेकार आरोप है। वो सबसे ज्यादा उसको भैया को बहुत प्रताड़ित की गई है और उसके जो ऑडियो क्लिप भी वो भी सही है। दलित, क्या ताला खोलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है महल का, और अगर खोलता है तो क्या कुछ निकलने की संभावना है? जी बता दूं, जिस तरीके से देवराज सिंह की पत्नी विभा सिंह आरोप लगा रही है कि ये ताला खोलने के बाद कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही सामान, जो भी सामान है, कितनी सामान, पैसे, सोना चांदी जो है वो निकाल लिए गए हैं। ये तो फॉर्मेलिटीज हैं कि सिर्फ ताला खुलेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। वो तो साफ तौर पर ये कह रही है कि कहीं ना कहीं देवराज सिंह की हत्या की गई है, उसकी जांच होनी चाहिए, ये साफ तौर पर उनका आरोप लगा रहे हैं। वहीं उनके बेटों का कहना है कि जो वर्तमान पत्नी है विभा सिंह, वो जो है उनसे जान का खतरा है और वो पूरी संपत्ति को हड़पना चाहती है। आपस में कुल मिला के देखा जाए तो ये दोनों जो है संपत्ति का विवाद का पूरा मामला है और यहाँ पर पुलिस जो है मौके पर मौजूद है और लोग भी भारी बड़ी संख्या में मौजूद है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है नारेबाजी। ललित, ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीण क्या महल का दरवाजा खोलने के पक्ष में है? जी, हमने लोगों से जब बात की तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ऑडियो में उन्होंने सुना कि पत्नी विभा सिंह जो देवराज सिंह को पर पैसे देने के लिए और तलाक देने के लिए जो है दबाव बना रही है और पैसे की मांग कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में या देवराज सिंह के समर्थकों में काफी आक्रोश है और उनके जो परिवार के, राज फैमिली के जो लोग हैं वो सारे लोग यहां पर आए हुए हैं और वो जो है ताला खुलने के बाद अंदर जाएंगे, फिर वहां पे लोग जो है मुआयना करेंगे कि यहाँ पे स्थिति उस रात को हुई क्या थी। दलित, ताला कब तक खुल जाएगा? क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ पा रही है? वरिष्ठ लोग मौजूद है वहां पर जी। ताला अब से कुछ देर बाद खोलने की तैयारी है। यहाँ पर बकायदा जो है गैस कटर लाया गया है और गैस कटर से बकायदा जो है ताला यहाँ पर खोला जाएगा। उसके बाद जो है अंदर का दोनों परिवार के जो परिवार के सदस्य हैं वो अंदर जाएंगे, चीजों का मुआयना करेंगे, देखेंगे, उसके बाद बाहर चीजें आ पाएंगी कि वस्तु स्थिति वहां पे अंदर पे क्या बनी है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया ललित ठाकुर खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो यहाँ पर खैरागढ़ में संपत्ति को लेकर विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है राज परिवार में, और ऐसे में उदयपुर महल का ताला खोलने की तैयारी भी की जा रही है।